हेलो एवरीवन, मैं हूं फजर राशिद आलम, आपका प्यारा दोस्त। तो आज इस वीडियो में मैं अकाउंट से रिलेटेड सारा का सारा आंसर बतलाना चाहता हूं। मैं इससे पिछले वीडियो में मैं अकाउंट्स, टैली और एक्सेल का कुछ क्वेश्चन पेपर बतलाया था, जो मेरा दुबई और इंडिया के इंटरव्यू के लिए सारा का सारा पूछा था। तो उसी से रिलेटेड सारा का सारा मैं अकाउंट्स में आपको इस वीडियो पे आंसर बतलाना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में ओनली फॉर अकाउंट्स का ही रहेगा, क्योंकि बहुत मेहनत के बाद, बहुत दिन के बाद मैं टाइम निकालो, मैं बहुत बिजी हो गया था, मैं आउट ऑफ जमशेदपुर चला गया था, हमको कुछ काम पड़ गया था कलकत्ता में। तो फिर मैं आया तो सोचा मैं आपके लिए ये आंसर तैयार करके दे दिया जाए। तो जो मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा तो आपसे कृपया है तो आप वो वीडियो जरूर देखें, अकाउंट्स का है, टैली का है, एडवांस एक्सेल का है। मैं वो वीडियो आपको लिंक में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ इस वीडियो का भी मैं डिस्क्रिप्शन में सारा का सारा नोट पैड पीडीएफ फाइल दे दूंगा। तो चलते हैं। तो ये मेरा आ गया टॉप अकाउंटिंग इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर आ गया। तो ये मैं 15 क्वेश्चन टोटल बनाया हूँ, क्या क्या इसमें है मैं आपको दिखलाता हूँ, और साथ ही साथ मैं यही चीज आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं आराम से। ये 15 क्वेश्चन में तो आपका मैक्सिमम 10 क्वेश्चन तो मैच करना ही करना है, जो मेरा भी मैच किया था, जो मेरे से पूछा था, वो सारा का सारा मैं शेयर कर रहा हूँ आपको। तो पहला क्वेश्चन है नॉर्मल सा, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स क्या होता है, एंड गोल्डन रूल क्या है अकाउंट्स का। तो यहाँ पर गोल्डन रूल सारा का सारा दिया हुआ, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर रूल भी दिया हुआ है, ओके, और यहाँ पर अकाउंट्स भी दिया हुआ, व्हाट इज अकाउंट्स, अकाउंट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर सारा का सारा मैं दे दिया हूँ। उसके बाद दे आर थ्री मेन टाइप ऑफ अकाउंट, क्या होता है, पर्सनल होता है, रियल होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। पर्सनल अकाउंट किसको बोलते हैं यहाँ पर दे दियो, रियल अकाउंट किसको बोलते हैं, और इसका बाद यहाँ पर रियल पर्सन, और यहाँ पर रियल अकाउंट्स दिया हुआ है, नॉमिनल अकाउंट दिया हुआ है। सारा का सारा आप ये वीडियो या पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक नीचे आते हैं, नीचे में भी बहुत सारा दिया हुआ है, व्हाट इज एसेट दिया हुआ, व्हाट इज लायबिलिटी, डेटर क्रेडिटर दिया हुआ है। तो बहुत मैं जहां तक का कोशिश किया उतना छोटा मैं आंसर बना के आपको दिखा दिया, बट इतना छोटा आंसर तो नहीं चलता है, ठीक है। तो आपसे हम कोशिश करेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, जो 15 का बाद जो कंटिन्यू होगा, हो सकता है कि मैं थोड़ा सा लॉन्ग आंसर दे दूं, मतलब सिंपल वर्ड में मैं आंसर आपको उसमें बना के दूं। तो आप देख सकते हैं, ओके, या नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, आजकल बुक में भी रहता है, बुक में भी देख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर सारा है, पूछा हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है, एक्सपेंडिचर, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, दो किस्म का एक्सपेंडिचर पूछा मेरे से, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये। इसके अलावा ये तो पूछना ही पूछना है आपको, व्हाट इज बीआरएस, बीआरएस सबसे इंपॉर्टेंट होता है, बैंक एंड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता है। उसके बाद आपका डिप्रिसिएशन पूछा है, कितना टाइप का डिप्रिसिएशन होता है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ फिक्स एसेट टॉपर में जो डिप्रिसिएशन होता है, ओके। उसके बाद अगर नीचे आइएगा तो यहाँ पर आपको डिप्रिसिएशन का सारा कितना टाइप का होता है, सारा का सारा यहाँ पर नजर आ जाएगा, टोटल 6 किस्म का है। और साथ ही साथ ही मैं यहाँ पर जनरल एंट्री भी एक दे चुका हूँ डिप्रिसिएशन का, तो आप लोग ये देख लीजिएगा। इसके अलावा और भी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आई थिंक होना तो चाहिए, व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ये देखिए। तो ये क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन क्या होता है, कितना किस्म का होता है। तो यहाँ पर 4 किस्म का ट्रांजैक्शन है, सेल, परचेस, रिसीव एंड पेमेंट, 4 किस्म का होता है ट्रांजैक्शन, ओके, ये पढ़ लीजिएगा। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंस पढ़ लीजिएगा क्या होता है, यहाँ पर सारा का सारा हम दे दिया है। ये ऐसा जरूर पूछेगा, ये भी पूछेगा, रेवेन्यू क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है। इसके अलावा में फाइनेंशियल स्टेटमेंट है पूछेगा, 3 टाइप ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हम दे दिया इनकम स्टेटमेंट, उसके बाद बैलेंस शीट, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये मैं दे दिया हूँ, आप यहाँ पर डाउनलोड करके कर सकते हैं। इसके अलावा में यहाँ पर डिप्रिसिएशन दिया हुआ है आपका, अगर ऊपर साइड में आते हैं तो यहाँ पर डिप्रिसिएशन दे देगा कि डिप्रिसिएशन क्या होता है, ओके। अगर नीचे आते हैं तो नीचे में भी और भी है, व्हाट इज ड्राइंग, ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग के बारे में यहाँ पर दे दिया हूँ मैं, साथ ही साथ इसका जनरल एंट्री भी है। तो टोटल ये 15 क्वेश्चन मैं डाला हूँ, बहुत ही शॉर्ट, जितना हो सके उतना शॉर्ट मैं करके यहाँ पर डाला हूँ, आप देख लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, मैं ये डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा,
ठीक है, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये क्वेश्चन, ठीक है, जो मेरे से पूछा मैंने सारा का सारा इसमें डाला है। इससे ये तो इजी स्टेप है, इससे भी हार्ड हार्ड बहुत सारा क्वेश्चन पूछा है जो मैं आपको दूंगा। अगर आपका इसका अलावा अगर आपको और भी क्वेश्चन में कुछ डॉट है तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उसको छोटा से छोटा आंसर करके मैं यही क्वेश्चन में अटैच करके 15 का बाद जो कंटिन्यू आएगा उसमें मैं आपको डिफाइन कर सकता हूँ कि ये होता है क्या। तो ये सारा अकाउंट पूछेगा आपका, है क्या एसेट पूछ लेगा, है क्या आपका पार्टी सेलेबिलिटी क्या है, यहाँ पर अगर नीचे आएंगे तो डेटर क्रेडिटर क्या होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, व्हाट इज बीआरएस क्या होता है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट क्या होता है, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच आर यूज्ड टू रिकॉन्सिल द डिफरेंट बिटवीन कैशबुक एंड बैंक स्टेटमेंट, इसको ही हम लोग बीआरएस बोलते हैं। ओके, यहाँ पर एग्जाम्पल भी दिया हुआ है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये था 15 क्वेश्चन जो मैं आपको पिछले वीडियो का सारा मैं आंसर दिया हूँ, और भी बहुत सारा, जैसे इनकम क्या होता है, ओके, फिर कैश क्या होता है, बैंक क्या होता है, जनरल एंट्री क्या होता है, एक दो से जनरल एंट्री भी मेरे से पूछा, तो खैर इसमें तो मैं जनरल एंट्री दिया हूँ, एक दो से ज़्यादा मैंने दिया हूँ, एक डिप्रेशन का जनरल एंट्री दिया हूँ, एक आपका और हो जाता है ड्राॅइंग का जनरल एंट्री है, बाकी जनरल एंट्री आपको एक अलग से दो वीडियो मैं बनाया हूँ, एक जनरल एंट्री का बनाया, एक एडवांस जनरल एंट्री का बनाया, तो अब वो भी देख सकते हैं, मैं उसको भी लिंक में डाल दूंगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है, आप इसको जरूर देखें एंड लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, आप लोग के लिए प्यार मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अगर आपको किसी चीज में डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और हमको बता सकते हैं कि सर इसके बारे में क्या होना चाहिए आंसर, तो मैं उसको बहुत छोटा से छोटा आपको डेफिनेशन करके मैं ये 15 क्वेश्चन के बाद कंटिन्यू मैं करके दिखलाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो होगा आप डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।